नमस्कार दोस्तों, ज्ञान संध्या ज्ञान चैनल पर पौधों की जानकारी की श्रृंखला में आज इस वीडियो में दिख रहे पौधे के बारे में बताएंगे। इस पौधे का वनस्पतिक नाम कन्ना इंडिका एल है, जिसे अंग्रेजी में इंडियन शॉर्ट, अफ्रीकन एरो रूट आदि कई नामों से जानते हैं। हिंदी में इस पौधे को कर्ल पौधा तथा अन्य भारतीय भाषाओं में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। यह पौधा दक्षिण अमेरिका तथा मध्य अमेरिका का मूल निवासी है, जहां पर हजारों वर्षों से अमेरिका के स्वदेशी लोगों द्वारा खेती की जाने वाली एक मामूली खाद्य फसल है। यह पौधा आधा मीटर से ढाई मीटर तक लंबा हो सकता है। इसके फूल लंबे लाल तथा पीले नारंगी होते हैं। इसके बीज काले छोटे गोलाकार छरे जैसे कठोर होते हैं। एक कहानी के अनुसार ब्रिटिश इंडिया में 19वीं शताब्दी के भारतीय विद्रोह के दौरान जब सैनिकों की गोलियां यानी बुलेट खत्म हो गई थी, तब इसके बीज का इस्तेमाल किया गया था। इस पौधे को इसके बीजों तथा टहनियों के द्वारा लगाया जा सकता है, जैसे कि अदरक हल्दी के पौधे को लगाया जाता है। यह पौधा अंकुरित होने के लगभग एक साल के अंदर ही फूल निकलने में सक्षम हो जाते हैं। यह एक ग्लोबल इन्वेसिव पौधों के लिस्ट में शामिल है, लेकिन इस पौधे की बहुत सारी उपयोगिता है। इसके बीज को आभूषणों के लिए प्रयोग किया जाता है। चीन देश में इसके स्टार्च और पॉलीथीन का उपयोग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसके साथ इस पौधे को इंडस्ट्रियल वास्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए वेटलैंड कंस्ट्रक्शन के माध्यम से उपयोग किया जाता है। इस पौधे को पेपर मिल के क्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिकों को भी हटाने में प्रभावी माना जाता है। यदि यह जानकारी आप सबको ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।